कैसा है मेरा सया <laughs> सी कैसा एक्सपीरियंस था क्योंकि आपने इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे काम किया इतनी कम एज में कैसा एक्सपीरियंस था मतलब बहुत ज्यादा मजा आता है जैसे मुझे एक्टिंग करना तो अच्छा लगता है hmm. तो जब मैं मूवीज में काम करती हूँ मतलब सबका एक अलग अलग एक्सपीरियंस होता है जैसे hmm. जब मैंने लूडो में काम किया तो अभिषेक भैया मतलब अभिषेक अभिषेक बच्चन सर से मैंने कुछ और सीखा hmm. फिर अजीत दास्ता में मेरे साथ नुसरत मैम थे उनके साथ मतलब सबसे कुछ कुछ सीखती हूँ मैं स्कूल में खेलती हूँ थोड़ी थोड़ी मस्ती करती हूँ बहुत थोड़ी Hmm. और पढ़ पढ़ना तो ऑब्वियस hmm. तो उसमें जब मुझे वो क्वेश्चंस पूछते हैं ना कि तुझे पता तो, तो है बड़ी अच्छी एक्ट्रेस है तुझे तो मतलब ऐसे करना चाहिए तुझे तो तू तो, तो चाहे होमवर्क भी ना करे तू तो डांट भी नहीं पड़ेगी तो ऐसा कुछ भी नहीं है hmm. मैं भी नॉर्मल स्टूडेंट हूँ अगर मैं होमवर्क नहीं करूँगी मुझे भी डांट पड़ेगी ऐसा कुछ भी नहीं है

आप आप लोगों को जज करके उनसे बातें करके उनके बारे में जान के फिर उनको फ्रेंड बनाते हैं yes. तो फिर मैं, मैं तो आपको जानती नहीं आप मेरे फ्रेंड नहीं बनोगे सोचना पड़ेगा अच्छा। अभी ज़्यादा अगर तो जैसे अभी से मैं आपसे अभी अब मिली हूँ तो एक बार ही मिलके थोड़ी नहीं होता मतलब थोड़ा मिलना पड़ता है बातें करनी पड़ती है ऐसे मुझे डांट पड़ती है हम वहीं पर ही खड़े हैं मुझे डांट पड़ती है मतलब पढ़ने पे पे मुझे कभी नहीं पढ़ी है। पापा से बढ़िया मैथ्स आने वाले टाइम में कौन कौन सी जैसे आपने पहले नेटफ्लिक्स की सीरीज में और मूवी में काम किया आने वाले टाइम में क्या प्रोजेक्ट आपके आने वाले है? हाँ आ, मैं ये बोलने वाली थी कि अभी मेरा मूवी आ रही है मेरा मेरी मूवी आ रही शाबाश मिठू ਸਰਸਕਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਦਿਨ ਟਾਈਮਸ ਮੈਂ ਹਾਂ ਪ੍ਰਬਲਿਨ ਕੌਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਜੀ ਪਿਆਰੀ ਜੀ ਗੁੜੀਆ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ ਇਹ ਛੋਟਾ ਪੈਕੇਟ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸਾਰੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਟੈਲੈਂਟਿਡ ਬੱਚੀ ਹੈ ਛੋਟੀ ਜੀ ਔਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਮਾਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਵ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹੋਗੇ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਆ ਔਰ ਇਹਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਲੈ ਜਾਓਗੇ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਇਹਦਾ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੈਲੋ ਇਨਾਇਤ ਹੈਲੋ ਕਿੰਨੇ ইয়ারਸ ਕਿਓ ਆ ਮੈਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਹਾਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਗੀ ਹੈਨਾ ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ माड़ी माड़ी है ना अच्छा इनायत आपकी रिसेंटली नेटफ्लिक्स पे सीरीज आई थी लूडो सीरीज आई थी कैस तो लूडो मूवी थी सीरीज अजीब थी अजीब दास्तान थी कैसी कैसा एक्सपीरियंस था क्योंकि आपने इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे काम किया इतनी कम एज में कैसा एक्सपीरियंस था मतलब बहुत ज़्यादा मज़ा आता है जैसे मुझे एक्टिंग करना तो अच्छा लगता है तो जब मैं मूवीज़ में काम करती हूँ लूडो मतलब का में काम किया तो अभिषेक भैया मतलब अभिषेक अभिषेक बच्चन सर से मैंने कुछ और सीखा फिर अजीत दास्ता में मेरे साथ नुसरत मैम थे उनके साथ मतलब सबसे कुछ कुछ सीखती हूँ अच्छा आपके जो क्लासमेट है स्कूल में कौन से स्कूल में आप कुंदन विद्या मंदिर अच्छा, आपके क्लासमेट्स आपको आपको मिलते होंगे होंगे आपके फ्रेंड्स आपको कहते भी तू तो अच्छा कोई, कोई बोलता है इतना नहीं मतलब है मैंने उनको मना किया है क्योंकि हाँ? मतलब कोई कोई बोलता है तो मुझे इतना अच्छा नहीं लगता है जैसे मैं स्कूल में खेलती हूँ थोड़ी थोड़ी मस्ती करती हूँ थोड़ी और पढ़ना तो ऑब्वियस तो उसमें जब मुझे वो पूछते हैं ना कि तुझे पता है तू तो मतलब ऐसे करना चाहिए ऐसा कुछ भी नहीं है मैं भी नॉर्मल स्टूडेंट हूँ अगर मैं होमवर्क नहीं करूंगी मुझे भी डांट पड़ेगी ऐसा कुछ भी नहीं है टीचर्स दो नहीं कोई लेता की हाँ ये तो स्टार है इसको मतलब डांटना नहीं होमवर्क के लिए कुछ बोलते टीचर्स वगैरह से डांट वगैरह पड़ती है और डांस अगर पढ़े तो मजा आता है अगर नहीं पढ़े और अगर वो मुझे कुछ ना तो तो मुझे भी नहीं मजा आएगा तो नहीं कोई ऐसे ट्रीट भी नहीं करता और अगर कोई कर, कर तो अच्छा, कि, कि, हाँ। शर्म आती होगी बाहर जाके कि मतलब अगर अब जाते जैसे स्कूल में ऐसे लगता होगा की मैं नॉर्मल स्टूडेंट की तरह करूँ मुझे क्यों ऐसे कुछ भी आपको ये चाहिए ऐसी मतलब ऐसा नहीं है जब मुझे कोई बोलता है मैं आपकी अब मैं आ, मतलब मैंने आपको देखा है अब मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ तो मैं बोलती हूँ सो स्वीट ऑफ यू फिर अगर उनको मेरा वो चाहिए तो मैं वो देती हूँ हु, ऑटोग्राफ -ग्रा, वो, वो चाहिए वो देती हूँ <laughs> मतलब ऐसे ठीक है, है बट मेरे कुछ फ्रेंड्स वो ना ऐसे बोलते हैं इनायत तू ना इसको बोल दे और हम तो ना अपने पूरा मेरा ना सिक्स में एक लड़का है वो ना मुझे कल ऐसे बोल रहा था मैं बोल दूंगा मेरी तो क्लासमेट इनायत है वो एक्ट्रेस है मैंने बोल नहीं ऐसे नहीं बोला किसी ने हाँ मतलब मेरे नाम की हवा भी नहीं हाँ मतलब ऐसे नॉर्मल फ्रेंड की तरह ट्रीट करो को कर। वेरी गुड अच्छा इनायत अभिषेक बच्चन सर के साथ आपने काम किया है बॉलीवुड इंडस्ट्री में बहुत नाम है उनका तो आपको प्राउड फील होता है मैं इतनी कम एज में इतनी आगे पहुंच गई हूँ और आगे आपको क्या चाहिए आप लाइफ में क्या आप बनना चाहते हो जैसे आपने अभी एक्ट्रेस की लाइन में आप बहुत कम एज में चले गए हो ना चाइल्ड एक्टर बहुत अच्छे लेवल पे हो आप तो आगे जाके क्या फ्यूचर प्लान है कोई ऐसा बॉलीवुड एक्टर आपको पसंद है जिसके साथ आप काम करना चाहते हो यस मुझे पसंद है Hmm. शाहरुख खान सर मैं उनसे बहुत बहुत टाइम से मिलना चाहती हूँ और होप hmm. सो मैं जल्दी ही मिलूँ hmm. और आपने बोला कि अब आपने इतना कुछ कर लिया है तो अभी आगे आपने क्या करना है मतलब आगे तो भी मैं एक्टिंग का ही करूँगी मतलब जैसे बीच में स्टडी जैसे मैं करती हूँ एक्टिंग साथ -साथ बट अभी तो मैंने बहुत कुछ करना तो hmm. अच्छा, है अभी तो कुछ नहीं किया अच्छा अभी छोटा पैकेट और बड़ा होगा अभी और बड़ा अभी तो बहुत बड़ा होना है अभी तो 10 इयर्स क्यों अच्छा इनायत आपने एक शो था रियलिटी शो आपका आप फर्स्ट जो फाइनलिस्ट थे उसमें है ना इंडियास बेस्ट बस, बस उसमें ना जज ने आपसे क्वेश्चन पूछा था पापा क्या करते हैं नहीं वो कप्पे शर्मा शो पूछा था अच्छा अच्छा Uh, तो वो क्या क्वेश्चन कैसे था वो मैं आपसे अगर पूछूँ आप वो सेम प्ले करके दिखाओगे अच्छा मैं पूछती चलो uh, आपके पापा क्या करते हैं इनायत पॉटी वो छोटा सा वो आपने एकदम से ऐसा रिप्लाई किया वो मेरे सारा ऑडियंस audience... सच है मुझे याद नहीं है हाँ। ये मैं रील्स पे कभी कभी अपनी वीडियो देखी है मुझे सच में सच में मैंने मैं ऐसी फ्लो फ्लो में बोल दिया था क्या क्या पूछा था मैंने आपके पापा क्या करते हैं पॉटी तो वो इतना फेमस ऑडियंस उसके तो उसके क्योंकि क्योंकि देखती है मतलब नहीं ज्यादातर लोग नहीं क्योंकि वो तो शो था ना कपिल शर्मा शो बहुत ज्यादा लोग देखते भी है और कुछ कुछ नहीं भी देखते लोग मूवीज देखते है ना तो मुझे ज्यादातर लोगों ने लूडो अजीब रिकॉग्नाइज किया है

ऐसे बनते हैं ना अगर मतलब उनके साथ पहले कभी ऐसे बात की हो फिर वो फ्रेंड से बेस्ट फ्रेंड ऐसे करके बनते बिल्कुल अच्छा आप, आप लोगों को जज करके उनसे बातें करके उनके बारे में जान के फिर उनका फ्रेंड बनाते हो तो फिर मैं तो आपको जानती नहीं आप मेरे फ्रेंड नहीं बनोगे सोचना पड़ेगा अभी अच्छा देखा जाए रियल लाइफ में इनायत ऐसी है कि, मतलब अगर किसी को मिलती है एक दो बारी मिलेगी फिर उसके साथ पूरी फ्रेंडली हो जाएगी अगर हम देखें तो हाँ मतलब मैं ऐसे में सबको ऐसे नहीं करती कि सब मेरे फेवरेट नहीं हो जाते हैं पर अगर मेरा कोई एक फेवरेट बन गया तो बस वो फेवरेट है ना बस वो फेवरेट है अगर उन्होंने मुझे थोड़ा टाइम ना दिया हुँ। मुझे हो जाती है बहुत ज्यादा अटैचमेंट फिर मैं बोलती रहूंगी आप मेरे साथ बातें क्यों नहीं कर रहे हो आप मेरे साथ बातें क्यों नहीं करो उनके साथ क्यों करो मेरे साथ बातें करो मेरे साथ बातें फिर मुझे हो जाता है वरना मैं सबके साथ नॉर्मल होती हूँ कोई बात करे ना करे तो आई एम ओके okay. बट जिनको मैंने फेवरेट बना लिया फिर उनके साथ मुझे होता है अब आपको मेरी से बातें करनी पड़ेगी अच्छा ऐसा ऐसा आपने अपना बनाया हुआ है और बनाया हुआ है जैसे अच्छा घर में सबसे ज़्यादा किससे प्यार करते हो पापा से या मम्मा से किससे प्यार करते हो मैं मतलब मम्मा पापा दोनों से करती हूँ बट ज़्यादा मम्मा से ओके तो अगर जब आपका शूट वगैरह होता है कहाँ पे मतलब लोकेशन वाइज अगर जाते हो तो फिर वो स्टडी मैनेज सब कुछ हो जाता है हो जाता है मेरा स्कूल कुंदन विद्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल बहुत सीनियर सेकेंडरी <laughs> <जादा स्कूर्ट> है, <laughs> है, बहुत अच्छा है तो जब मैं अभी प्रिंसिपल सर प्रिंसिपल मैम थे पहले अब हमारे प्रिंसिपल सर हुए हैं ए पी शर्मा सर वो भी बहुत सपोर्टिव है मतलब अभी ये होते हैं ना मे में टेस्ट सो आई वाज इन मुंबई सो मैं नहीं दे पाई तो उन्होंने बोला कि नो वरी हम आपका बाद में ले लेंगे मतलब आपको पहले देने हैं पहले दे दो बाद में लेने हैं बाद में ले लो तो बहुत मैं, हां मैंने अच्छा इनायत घर पे किस रीजन के कारण डांट पड़ती है जैसे बच्चों को ना शरारती करने के अगर आप शरारती नहीं करोगे आपकी तो लाइन ही ऐसी आपको तो एक्टिंग लाइन में ऐसी शरारती शरारती सी अपना बनानी पड़ती है पर्सनालिटी तो आप घर पे किस चीज के कारण आपको डांट पड़ती है बनानी नहीं पड़ती है मेरी है रियल मेरी ऐसी रियल में मुझे डांट पड़ती है और मम्मी थोड़ी खड़े हैं मुझे डांट पड़ती है पढ़ते हैं मतलब पढ़ने पे मुझे कभी नहीं पड़ी है पापा से बढ़िया मैथ्स पे अच्छा मैथ्स अच्छा नहीं लगता थोड़ा ओके बट मुझे ना मुझे जो सम्स आते होंगे वो मैं गलत कर देती हूं सिली मैं सिली मिस्टेक्स बहुत करती हूं सबके साथ ऐसे ही होता है हाँ। अच्छा मुझे धड़ 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 तो नहीं होता बट कभी-कभी पापा से ज्यादा होता है तो शायद तुसी शायद मैं इंटरप्ट कर रहा इंट्रोडक्शन से मैं तुम्हें दसिया कि गल्ला मारदे मारदे मतलब साडा भी बहुत वधिया एंटरटेनमेंट हो रहा है बहुत मज़ेदार गल्ला कर रही है तो वीडियो के नाल तुम बिल्कुल बने रहे हो तो यदि गल्ला सुनते रहे हो इनायत आने वाले टाइम में कौन कौन सी जैसे आपने पहले नेटफ्लिक्स की सीरीज़ में और मूवी में काम किया आने वाले टाइम में क्या प्रोजेक्ट आपके आने वाले हैं हाँ आ, मैं ये बोलने वाली थी कि अभी मेरा मूवी आ रही है मेरा मेरी मूवी आ रही है शाबाश मिट्टू उसमें क्या रोल कर रहे हो जुलाई को ओके नियर बाई है फिफ्टीन जुलाई फाइव फाइव फिफ्टीन जुलाई फिफ्टीन जुलाई मैं थोड़ा हो गई थी okay. और इसका ट्रेलर आ रहा है ट्वेंटी uh, जून को hmm. तो मेरा ट्रेलर जरूर देखता hmm. और uh, वो होप्स आप सबको मूवी बहुत अच्छी लगे वो क्रिकेट पे मूवी है विद मतलब आई एम प्लेइंग द रोल ऑफ शबाश मिठू इट्स शबाश मिठू मैम इज नहीं मूवी का नाम शाहरुख़ टू इनका नाम है मिथाली राज वो एक वुमेन <laughs> क्रिकेटर है mm. तो आ, वो एक बायोपिक है उसमें मेरे साथ तापसी दीदी जब मैं बड़ी हो जाऊँगी तो मैं तापसी दीदी दी बन जाऊँगी अच्छा। तो वो होप्सो आपको अच्छी लगी और मेरी एक और मूवी आ रही है विद रणबीर भैया श्रद्धा दीदी डिम्पल मैम बोनी सो बसी भैया मोनिका दीदी हसलीन दीदी अंबर भैया दादी वह लोग हैं ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੈਕੇਟ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਜਿਹਾ ਤਮਾਕਾ ਬਣੇਗਾ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਮੂਵੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਬੈਸਟ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ फर्स्ट फाइनलिस्ट जी सी यही सी तनायत ने ना सू गलब करके बहुत अच्छा लग गया इनायत और क्या कहना चाहते हो ऑडियंस को क्योंकि आपकी मस्ती देख के वो तो बहुत खुश हो गए होंगे एंटरटेनमेंट हो गए होंगे वो उनका पूरा अभी कोई भी देख रहा होगा ना उसको होगा कि चलो और आगे दोबारा एक बड़ी वीडियो देखे क्या कहना चाहते हो ऑडियंस हाँ, को, को कहना चाहती हूँ कि ऐसे मुझे प्यार देते रहना और मेरी शाबाश मिठुर मूवी को बहुत ज़्यादा पसंद करना और

हाँ, है ना जी जी, तो है। वो मूवी भी देखने जाना क्योंकि क्या पता मेरा ट्रेलर उस

तो नॉर्मल है ना मेरे रियलिटी शोज के थे बता दो कोई भी, भी, भी कोई भी कोई भी नहीं यार धैया देया कर देती हूं हूं वो कर दो धैयारी धैया देया, कैसा है मेरा सया <laughs> यही एक डायलॉग है और कोई नहीं मजा आता है ना ऐसे करके आ, आने वाले टाइम में आप ऐसे प्रोजेक्ट्स और भी लेते रहोगे है ना मूवीज मूवीज प्रोजेक्ट्स या सीरीज कुछ भी मूवीज बेस्ट मूवीज मूवीज अच्छी लगती ज्यादा ਚਲੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਇਨਾਇਤ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਆਪਸੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕਿਊਟ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਾਇਤ ਜੀ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਏ ਇਨਾਇਤ ਵਰਮਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ Netflix ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਮੂਵੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਟੀਵੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਨਟਕੀ ਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਨਾ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਬੈਸਟ ਡਰਾਮੇ ਬਾਜ਼ ਦੀ ਫਾਈਨਲਿਸਟ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ रियलिटी ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐ ਫਾਈਨਲਿਸਟ ਬਣਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਇੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਹੁਣ 10 ਇਅਰਸ ਦੀ ਏਜ ਆ ਤਾਂ 10 ਇਅਰਸ ਦੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਮੂਵੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੁਣ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਮਿੱਠੂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਸਟਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਦਾ ਕਪੂਰ ਰਣਵੀਰ ਕਪੂਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਉਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਇਹਦਾ ਦੀ ਵਦੇਰੀ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਟਾਈਮਜ਼ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦਰਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਪ ਪਰ ਬਲੀਨ ਕੋ